अखिलेश भैया बैठने जा रहे हैं सर दस तारीख को हाँ। और पूरी पूरी बहुमत से जीतेंगे भी है उत्तर प्रदेश क्योंकि यहाँ से ही केंद्र सरकार का तख्ता का पायदान शुरू होता है आपका क्या कहना है एग्जिट पोल पर विश्वास करते हो आप जी बिल्कुल तो क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया की सरकार बनने जा रही है जी ऐसा क्यों जी लग रहा है हमको उन्होंने काम क्या काम करके दिखाया है देश के अंदर हाँ। मेट्रो चलाई है हाईवे बनाए हैं भाई साहब बीजेपी की सीट आपको पता दो सौ चौरान जी फ्रॉड है सब फ्रॉड है, है। अखिलेश भैया बैठने जा रहे हैं सर दस तारीख को हाँ। और पूरी पूरी बहुमत से जीतेंगे एक रात का टाइम है हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है अच्छा ईवीएम के बारे में क्या कहना जो सब वाराणसी में जो जब सब 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 चोरी चकारी है सब सब फ्रॉडबाजी चोरी हो रही है जी ईवीएम मशीन की चोरी हो रही है धांधलेबाजी हो रही है सब एक्सचेंज किया जा रहा है तो, कौन चोरी कर रहा है ये योगी जी करा रहे हैं जहाँ जहाँ वो टो तो की कमी देख रहे शॉर्टेज शोटेज देख रहे वहाँ पे मशीन रखा रहे हैं ईवीएम मशीन चेंज करा रहे हैं दबाया जा रहा है बाकी सरकार देख ही रही है कि दबा रहे हैं बाकी जनता सब जानती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ऐसा तो नहीं कि अखिलेश जी को हार डर सता रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है पूरी पूरी बहुमत से दस तारीख को बैठने जा रहे हैं सीएम की कुर्सी पे कल जो आंकड़े आए हैं क्या आपको विश्वास है सर इन पे आप विश्वास रखते हो देखिए पब्लिक ने जो वोट दिया है वो मुख्यमंत्री के काम पे दिया है पहले भी सरकारें बनी है और आगे भी सरकारें बनेंगी जो पार्टी काम करेगी उसको वोट दिया जाएगा उस पर कोई आंकड़े किसी के निजी नहीं है सबने अपना अपना वोट दिया है जिसका मत होगा अधिक उसकी सरकार बनेगी उसी के ज्यादा विधायक चुने जाएंगे तो सर आपको क्या लग रहा है किसकी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है सर देखिए जब से आजादी हुई है उसके बाद सभी दलों की सरकारें बनी है लेकिन जो प्रचंड बहुमत योगी आदित्यनाथ ने दिखाया था और जिस हिसाब से काम किया है उसके अनुसार दोबारा से उन्हीं की सरकार आनी चाहिए अच्छे दिखा रहे हैं दो सौ सीट दिखा रहे हैं योगी जी की तो आपको क्या लगता है सर इसमें दो सौ चौरानवे आ जाएंगी या कम होंगी या ज्यादा होंगी देखिए एग्जिट पोल तो जो एक भावनाओं के आधार पर और एक पूछताछ के आधार पर होती है और ये अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन जो बहुमत निकलता है ना वो एक आम जनता का रुझान देखा जाता है उसमें कोई जाति कोई धर्म और कोई एक पार्टी के लिए नहीं देखा जाता जी सर आपको याद दिला दो बंगाल का जो पब्लिक ओपिनियन आया था उससे क्या क्या कहना? देखिए, बंगाल का बंगाल की स्थिति के अनुसार है और यहाँ यूपी है उत्तर प्रदेश क्योंकि यहाँ से ही केंद्र सरकार का तख्ता का परिधान शुरू होता है सर मेरा कहने का मतलब है बंगाल में भी ऐसे ही दिखा रहे थे देखिए एग्जिट पोल तो देखिए गलत भी हो जाते हैं मैं उसी बात को पुनः आप विश्वास करते हैं देखो एग्जिट पोल एक समय पास करने के लिए जब तक की रिजल्ट नहीं आए तब तक का समय पासिंग का एक जरिया है एग्जिट पोल कोई सरकार नहीं बना रही है सर, ऐसा भी तो होता है कि अखिलेश जी बाजी मार जा नहीं बाजी कोई भी मार सकता है मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ अखिलेश बाजी नहीं मार सकता कौन सी सरकार ने काम किया है ये बीजेपी ने काम किया है बीजेपी ने ऐसे बढ़िया बढ़िया काम किया जिसे देखिए दो साल लॉकडाउन लगा था पहली बात तो किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़ा अच्छा। सारे व्यक्तियों को राश... आपके पास राशन कार्ड नहीं है तब भी आपको आधार कार्ड के आधार पे आपको राशन दिया गया फुटपाथ पे जितने लौ, भी लॉकडाउन के अंदर पब्लिक आप बिल्कुल आपके मरी होगी लेकिन गाजियाबाद में पता कीजिए यहाँ एक एक व्यक्ति को राशन दिया गया कोटेदार ने खुद बुला बुला के दिया कोई व्यक्ति हमारे यहाँ मोहल्ले में भूखा नहीं सोया अच्छा कल दस मार्च है जी रिजल्ट आ रहा है जी लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठेगा लखनऊ की गद्दी पे आदित्य योगी नाथ बैठेंगे ऐसा क्यों लगता है बिल्कुल ऐसा ही लगता है